लॉकडाउन एक्टिविटीज के अंतर्गत जो औद्योगिक और व्यावसायिक एक्टिविटीज की अनुमति है उनके वर्कर्स की सरल आवाजाही में भी लोकल अथॉरिटीज को सहयोग देना चाहिए। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और कस्टम्स के अधिकारियों को उनके स्टाफ और कंट्रैक्चुअल लेबर को पास देने के लिए अधिकृत किया गया है। ये सब भी सुनिश्चित करना चाहिए। स्टेट्स और यूटीज को त्वरित गति से उन कंपनीज और संगठनों के वर्कर्स के लिए पास इशू करना चाहिए जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टेट्स और यूटीज के बॉर्डरिंग एरियाज में हैं, उनको कोई समस्या ना आए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एसेंशियल आइटम्स में कार्य कर रहे हैं जैसे आटा, दाल और एडिबल ऑयल, उनके कार्यों में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस को भी बाधा रहित तरीके से ऑपरेट करने देना चाहिए, चाहे वे एसेंशियल गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस हो, चाहे अन्य गुड्स के लिए। ये निर्देश हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर लागू हैं और इन सब एक्टिविटीज को करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए।